आज के वीडियो में हम सीखेंगे पुराने प्लास्टिक के प्लेट से बड़ा ही खूबसूरत सा ये डॉट मंडला आर्ट का पीस बनाना, और इसको हम दो तरीके से अपने घर में यूज कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नुपुर्स क्रिएटिव आर्ट में। तो दोस्तों, मैं हर हफ्ते ही आपके लिए ये कोशिश करती हूँ कि कुछ न्यू वीडियो बनाऊँ आर्ट एंड क्राफ्ट की, जो कि बहुत ही कम बजट में भी रेडी हो जाए और हमारा बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा सुंदर भी लगे। अगर आपके पास भी पड़ी हुई है इस टाइप की प्लास्टिक की प्लेट, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे एक वॉल आर्ट प्लस डेकोरेटिव थाली। तो दो तरीके से हम इसको यूज कर पाएंगे अपने घर में सजावट के रूप में। सबसे पहले तो आप एज ए थाली इसको किसी भी पूजा के सामान में यूज कर सकते हैं, और दूसरा हम इसको दीवार पर इसके पीछे हैंगिंग लगा के हम एज ए वॉल आर्ट यूज कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा ये वॉल आर्ट बन के रेडी हो जाएगा, और जब भी जरूरत पड़ेगी कोई फेस्टिवल आएगा तो इसको निकाल के हम एज ए डेकोरेटिव थाली भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस DIY को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी इस टाइप की एक प्लास्टिक की प्लेट की। ये मेरे पास एक ओल्ड प्लास्टिक की प्लेट पड़ी हुई थी, इसको मैं यहाँ पे रीयूज करके एक ब्यूटीफुल सा वॉल आर्ट प्लस डेकोरेटिव थाली का आइटम बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने ले लिया है ब्लैक एक्रेलिक कलर और इस टाइप का एक स्पॉन्ज। और स्पॉन्ज को आप पानी से पहले डिप कर लीजिए और बाद में इसको यहाँ पे निचोड़ दीजिए। उसके बाद हमें डैप डैप करके इसको पूरे ब्लैक एक्रेलिक कलर को पूरी की पूरी प्लेट के ऊपर स्प्रेड कर देना है, तो हमारा जो पूरा प्लेट होगा वो अच्छे से पूरा ब्लैक कलर को कवर कर लेगा। अब देखिए इसको सूखने के लिए रख दीजिए 1 घंटे के लिए, 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं सूखने में। पहले ये चेक कर लीजिए आपका प्लेट सूख गया है कि नहीं। उसके बाद हमें इसके ऊपर डिजाइन बनाने हैं। सबसे पहले सेंटर एरिया निकाल लेना है, तो पूरी प्लेट को मेजर कर लीजिए और उसके बीच का जो सेंटर पॉइंट आएगा वहाँ पर हम यहाँ पर ग्लास मार्कर से यहाँ पे मैं इसके बीच का सेंटर पॉइंट निकाल रही हूँ। ये ग्लास मार्कर है, ब्लैक के ऊपर व्हाइट तभी दिखाई देगा अच्छा सा, और आप चाहे पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद भी मुझे ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि ये बीच का सेंटर पॉइंट है या नहीं, तो मैंने एक स्केल ली और इसके पूरे सेंटर एरिया को यहाँ से ऊपर की साइड पूरा, जिस टाइप से हम रेडियस निकालते हैं उस टाइप से पूरा देख लिया कि चारों तरफ से बराबर है कि नहीं, और फिर मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला कि बीच का पॉइंट ये नहीं था, उसके साइड का जो पॉइंट था वो बीच का पॉइंट था। तो इसके बाद जो सेंटर एरिया हमने निकाल लिया है, उसके बाद हमें इसमें डिजाइन बनाने हैं। तो यहाँ पे सिंपल से डिजाइन बनाऊंगी मैं इसमें, तो केवल यहाँ पे सर्कल्स ही ड्रॉ करूंगी मैं। एक कंपास ले लीजिए, उसमें ग्लास मार्कर को उस टाइप से फंसा दे दीजिए अच्छे से, और बाद में इसमें पूरे के पूरे राउंड राउंड करके हमें बड़े बड़े गोले बनाने हैं। आप अगर मंडला आर्ट कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप इसका बेस पहले रेडी कर लीजिए। इसके बाद हमें एक्रेलिक कलर लेने हैं, ये मेटालिक एक्रेलिक कलर हैं जिनका मैं यूज यहाँ पे करने वाली हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर हमें इस टाइप के राउंड शेप का जिसका टिप हो, इस टाइप के कोई भी चीज ले लेनी है। मेरे पास ब्रश थे, ये वाले फाइबर कास्टल के ये ब्रश है, इसके पीछे का टिप इस टाइप का है, तो मैं इसका ही यूज करूंगी। इसके अलावा मेरे पास एक पेन था जिसका भी टिप लास्ट में इस टाइप से था, तो इसका भी यूज कर सकती हूँ मैं बड़े बड़े से डॉट्स बनाने के लिए। उसके बाद हमें जो भी इसमें बीच में स्टिक करना है, आप चाहें तो आप राइमस्टोन स्टिक कर सकते हैं, बीट्स कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं, जो आपका मन कर रहा है वो कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास ग्लू हो या फैब्रिक ग्लू हो, उसकी हेल्प से यहाँ पे मिरर को स्टिक कर लीजिए अच्छे से, और इसके बाद में जो भी हमें एक्रेलिक कलर लगाने हैं उसको हम यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर देंगे। ये बेसिकली बेस हमारा डार्क कलर का है, ब्लैक का, तो इसके ऊपर कोई हल्का कलर ही अच्छा लगेगा, वाइट भी लगा सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे ये गोल्डन कलर को अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे से डॉट्स हमें बिल्कुल धीरे धीरे आराम से रखने हैं, ताकि एक डॉट बगल वाले डॉट से समान बिल्कुल राउंड शेप का हो, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए इसमें, बिल्कुल राउंड जो भी बनाएंगे हम, तभी हमारे डिजाइन की खूबसूरती बढ़ेगी। और आपने छोटे बड़े इस टाइप से डॉट्स बना दिए तो वो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। उसके बाद ये मेरे पास पर्ल एक्रेलिक कलर है, पर्पल कलर का, इसको मैं यूज करके इसके अंदर का जो डिजाइन है उसको पूरा फिल कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो व्हाइट एक्रेलिक कलर है उसको मैं यहाँ पे यूज करूंगी, छोटे छोटे से डॉट्स बनाऊंगी यहाँ पे। और देखिए मेरे सभी जो जितने भी डॉट्स बना रही हूँ मैं, वो एक ही समान बिल्कुल साइज में है,
और तभी वो एकदम मोतियों जैसे एकदम बिल्कुल सुंदर सुंदर से दिखाई देंगे। और इसके बगल में छोटे टिप वाले ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे छोटे छोटे से डॉट्स बना दूंगी। जो दोस्तों डॉट मंडला आर्ट करने के लिए अलग अलग टूल्स आते हैं, जिनमें बहुत सारे अलग अलग मोटाई के आपको टूल्स मिलते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अगर मेरे पास वो होते तो मैं उनका यूज़ करती, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हम अगर हमारे पास कोई चीज़ जैसे अवेलेबल नहीं है तो हमारा काम नहीं हो सकता। हम थोड़ा सा अपना जुगाड़ यूज़ करके या किसी सोच के कि किसी और चीज़ से भी क्या ये चीज़ बन सकती है, तो उसका यूज़ करके आप बनाने की कोशिश कीजिए। और ज़्यादातर समय में ऐसा होता है कि वो चीज़ बन ही जाती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसी टाइप से यहाँ पे काम किया है। यहाँ पे मैं येलो का एक शेड बना रही हूँ, जो पास्टल कलर है येलो। यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर दूंगी। पास्टल कलर दोस्तों क्या होते हैं? तो दोस्तों पास्टल कलर में क्या होता है कि जो भी कलर होता है उसमें वाइट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, और जो बेसिक कलर होता है हमारा, जो भी हम कलर ऐड कर रहे हैं, वो बिल्कुल थोड़ा सा होता है उसमें अमाउंट। तो यहाँ पे मैं देखिए बिल्कुल हल्का सा शेड का मैंने यहाँ पे येलो कलर बनाया है, और बाकी के सभी कलर मैं पास्टल शेड में ही बनाऊंगी। ब्लू का भी बनाऊंगी, पिंक का भी बनाऊंगी, पर्पल का भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे छोटे छोटे से डॉट्स में रखना स्टार्ट कर रही हूँ। ये काम आपको बहुत धीरे धीरे करना है, तभी आपका एक एक डॉट क्लियरिटी से दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो मेरे पास गोल्डन एक्रेलिक कलर था ना दोस्तों, जो मैंने सबसे पहले लगाया था, वो थोड़ा सा सूखा हुआ था, और मैं ये पहली बार ये आर्ट ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे भी अंदाजा नहीं था सूखने के बाद वो कैसा लगेगा देखने में। तो वो सूखने के बाद अच्छा सा नहीं लग रहा था, उसका सरफेस था वो रफ लग रहा था, इसीलिए मैंने उसको कवर करने के लिए यहाँ पे बीच में कुछ यहाँ पे लेस स्टिकर लगा दिए हैं। और नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो उसका ध्यान रख के बनाऊंगी अच्छे से। जो लेस स्टिकर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, और इसके आप मिरर भी लगा सकते हैं या दूसरे कोई बीट्स भी लगा सकते हैं, हाफ कट बीट्स जो आते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने फिर से यहाँ पे पास्टल शेड बनाया है ब्लू का, और यहाँ पे डॉट मंडला आर्ट को फिर से यहाँ पे बना दिया है। अब फ्रेंड्स, हमें आगे की डिजाइन बनाने के लिए कोई भी आप शेप ले सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक स्टेंसिल्स नहीं है, मेरे पास ये स्टिकर है एक हार्ट शेप का, इसको मैं यूज करके यहाँ पे बगल के डिजाइन बना लूंगी। तो दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखने की ये होती है कि जो हमारा कलर है वो इस टाइप का बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एक बार जब कलर लगाऊं तो वो नीचे के जो सरफेस है उस पे इस प्रकार से उसका जो फ्लो होना चाहिए वो आना चाहिए। कलर सूखा होता है तो बिल्कुल भी हमारा ये वाला आर्ट बन ही नहीं सकता है, और डिजाइन हमारा पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्राई कर लीजिए किसी अलग सरफेस पे, अगर आपके डॉट्स प्रॉपर बन रहे हैं सरफेस पे, तभी आपका जो काम होगा वो फाइनली करना स्टार्ट कर दीजिए अपने फाइनली जो भी बना रहे हैं पीस उस पे। अब यहाँ पे मैंने एक पास्टल कलर बनाया है पर्पल कलर का, तो यहाँ पे मैं पूरे के पूरे जितने भी हार्ट शेप के यहाँ पे बनाए हुए हैं डिजाइन, यहाँ पर उन कलर्स को फिल कर दूंगी अच्छे से। और यहाँ पे कुछ जो इसमें मंडला आर्ट में टूल नहीं है मेरे पास, ये एक शार्प मेरे पास कंपास का ही आगे का एरिया है, इससे मैं यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। इन सभी डॉट्स को सूखने के लिए छोड़ दीजिए, तभी आगे का दूसरा डॉट का काम स्टार्ट कीजिए। तभी आपसे बिल्कुल भी अगर हाथ लग भी गया पिछले वाले डॉट पर तो वो आपका डिजाइन खराब नहीं होगा। एक डॉट के डिजाइन को बनने के बाद दूसरे डॉट के बनाने तक आपको उसके पहले वाले का सूखने का थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब फ्रेंड देखिए, मैंने इसमें कलर का जितना भी काम था वो कंप्लीट कर लिया है। अब आगे का जो काम है वो रहे थोड़ा सा इसको डेकोरेशन देने का। तो यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक ग्लू है, इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे छोटे छोटे से हाफ कट बीट्स लगा रही हूँ, जिसके बाद तो इस प्लेट की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। और कहीं कहीं पे मैं मिरर्स का भी यूज़ करूँगी, तो आप इसकी जगह राइम स्टोन लगा सकते हैं और लेस स्टिकर लगा सकते हैं और किसी भी तरीके के शेप के मिरर लगा सकते हैं। शेप का ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने मिरर लगाए हैं बिल्कुल उसी शेप के मिरर आपके पास हों, आप किसी भी शेप के मिरर लगा दीजिए, आपका डिज़ाइन उतना ही ज़्यादा सुंदर बनेगा।
मेरे पास जो भी मिरर अवेलेबल है मैं उन्हीं का यूज़ करके यहाँ पे डिज़ाइन बना रही हूँ। अब देखिए कितना ज़्यादा सुंदर सा हमारा ये प्लेट रेडी हो चुका है। अब फ्रेंड मेरे पास जो भी चीज़ अवेलेबल थी, जैसे जो जो मिरर थे, जो जो लेस स्टिकर मेरे पास थे, उनका ही यूज़ करके मैं इसमें आगे थोड़ा सा और डेकोरेशन करूँगी। जैसे इस प्लेट के जो भी किनारे हैं उनको भी अच्छे से फिल कर रही हूँ मैं इन मिरर वर्क से और हाफ कट बीट से। लेकिन आप अगर सिंगल यूज़ में इसको डेकोरेटिव थाली की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो मैं यही बोलूँगी आपको कि जो इसमें किनारे बनाए हैं वहाँ पर आप अगर मिरर वर्क करते हैं तो थोड़ा सा हाथ में आपका लगने का वो डर रहेगा, तो आप जो ऊपर के इसके यहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर आप मोती वर्क ही कीजिए, ताकि जब भी हम थाली को यूज़ करें तो हमें हाथ में मिरर चुभे नहीं। और आप इसको वॉल आर्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं तो आप खूब भरपूर मिरर लगा सकते हैं मेरी तरह। और देखिए इसमें मैंने लीफ लाइक छोटे छोटे से जो मिरर हैं वो यहाँ पे इसमें लगा दिए हैं, और जो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। अब देखिए हमारा कितना ज़्यादा खूबसूरत सा प्लेट बन के रेडी हो चुका है। इस टाइप का आर्टिस्टिक प्लेट जब आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा। तो चलिए अपने आर्ट पीस को अब प्रोटेक्ट कर देते हैं हम। तो धूल मिट्टी से बचाने के लिए आप एक्रेलिक कलर की स्प्रे वॉर्निश लगा सकते हैं। हमारे सारे के सारे डॉट्स को सूखने के लिए आपको टाइम देना है थोड़ा सा, उसके बाद ही ये वॉर्निश को अप्लाई करना है। इसके बाद इसके हैंगिंग को बनाने के लिए आप कोई भी मेटल वायर ले सकते हैं। ये एल्युमिनियम वायर है मेरे पास, इसमें इस टाइप का देखिए मैं हुक बना रही हूँ, ये हाथ से ही आसानी से मुड़ भी जाता है। ऊपर से मैं इस टाइप को थोड़ा सा इसको प्रेस कर दूंगी तो ये ऊपर हो जाएगा और हमारा हुक बिल्कुल हैंग होने के लिए रेडी हो जाएगा। अब हमें इसको अच्छे से स्टिक करने के लिए कुछ भी स्ट्रॉन्ग ग्लू लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्लू गन स्टिक में जो ग्लू आता है उसको मैं यहाँ पे बिल्कुल हॉट करके यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ, जिससे स्ट्रांगली ग्लू हो जाएगा। इसके अलावा आप एम सील का भी यूज़ कर सकते हैं या कोई अदर जो स्ट्रॉन्ग ग्लू हो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से सूख जाने के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद इसको यहाँ पे दीवार में अच्छे से हैंग कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स ये कितना ज़्यादा खूबसूरत सा हमारा वॉल आर्ट बनके रेडी हो चुका है, जो कि हमने कितने लो बजट में बनाया हुआ है। इस टाइप का आर्टिस्टिक पीस जब आप मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा, और ढूंढने पर आपको ना मिले, आप किसी आर्टिस्ट से बनवाएंगे तभी आपको ये पीस मार्केट में अवेलेबल होगा या इंस्टाग्राम स्टोर पर कहीं पर मिल पाएगा। तो दोस्तों इसका यूज़ हम एक और तरीके से कर सकते हैं एज ए डेकोरेटिव थाली। इसमें मैं अगर इसके पीछे हुक नहीं लगाती तो यही थाली बन जाती हमारी, और इसका यूज़ हम हल्के फुलके सामान को रखने में कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल दिए रखे हैं, थोड़े से फ्लावर में रख के भी यूज़ कर सकते हैं, या पूजा का छोटा मोटा सामान रख के हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और बाद में फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद दोबारा से इसको दीवार पर हैंग कर सकते हैं। तो दो तरीके से ये यूज़ में आएगा आपके। कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट तो कर ही दीजिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। और चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं दोस्तों आर्ट एंड क्राफ्ट की एक न्यू वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।